हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा। आज का हमारा टॉपिक है यात्रा के दौरान आप क्या क्या सावधानियां रखें ताकि आप मलद्वार के रोगों से बच सकें। क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, कुछ मरीज बताते हैं कि पहले तो वो ठीक थे पर जब उन्होंने कोई लंबी यात्रा की, बस में, ट्रेन में, कि कार से 1000 किलोमीटर गए या 2000 किलोमीटर गए, उनको उस यात्रा के दौरान बवासीर की समस्या हो गई। इसके अलावा कुछ मरीज ऐसे भी बताते हैं कि उनको पहले से ही मलद्वार पर पाइल्स की थोड़ी बहुत समस्या थी लेकिन वे लंबी यात्रा पर चले गए जिस कारण से उनकी वो थोड़ी सी समस्या अचानक से कई गुना बढ़ गई। आपको भी कहीं ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े और अनजाने ही कोई ऐसी गलती न कर बैठे जिस कारण से आपको मलद्वार की समस्या बढ़ जाए, इसलिए इस टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाया है। लोग ट्रैवल के दौरान जो जो गलतियां करते हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और साथ ही कुछ टिप्स भी मैं आपको दूंगा यात्रा के दौरान आपको क्या करना चाहिए जिससे आप मलद्वार की बीमारियों से बच सकें। फ्रेंड्स, यात्रा करने का सौभाग्य सभी लोगों को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए जीवन में जब भी आपको मौका मिले लंबी यात्रा पर जाने का तो कभी भी उससे चूकना नहीं चाहिए। अपने शहर से बाहर निकलकर दूसरे शहर में घूमने से इंसान की सोच बदलती है, उसको नया सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बस सफ़र के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए तो आप बिना मलद्वार की समस्या के दूर दूर तक घूमकर आ सकते हैं। जब आप 3-3 दिन या 5-5 दिन तक लगातार सफ़र में होते हैं या यात्रा में होते हैं तो कई गलतियां आप अनजाने में कर देते हैं जिस कारण से आपको मलद्वार की समस्या बन सकती है। सबसे पहले कपड़ों की बात करते हैं। ज्यादातर लोग सफर के दौरान तंग कपड़े पहन लेते हैं, टाइट कपड़े पहन लेते हैं जिस वजह से वे यात्रा के दौरान अनकंफर्टेबल रहते हैं। इसलिए जब भी आप लंबी यात्रा पर हों तो जितना ज्यादा हो सके ढीले कपड़े पहने, खासकर जो पैंट है वो आपका बिल्कुल लूज होना चाहिए और उसका जो बेल्ट है वो इतना ढीला हो कि बैठने पर आपके पेट को दबाए नहीं। कपड़े ऐसे होने चाहिए जिनमें आप पद्मासन या वज्रासन में आसानी से बैठ सकते हो। दूसरी बात है जिस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो है डिहाइड्रेशन। दरअसल जब आप ट्रेन या बस में सफर करते हैं तो लगातार हवा आपके शरीर से टकराती है जिस कारण से वह हवा आपके शरीर से पानी को सोख लेती है और शरीर में पानी की कमी आ सकती है और शरीर में पानी की कमी आने से आपको कब्ज हो सकता है, कब्ज आपका बढ़ सकता है जिस कारण मलद्वार पर बवासीर की समस्या आपको बन सकती है। तीसरा कारण होता है फ्रेंड्स यात्रा के दौरान किया जाने वाला भोजन। अक्सर भारत के रेलवे स्टेशन पर या बस स्टेशन पर पूरी, पराठा, पकोड़े, समोसे, यही सब तला भुना जो भोजन होता है वो मिलता है। जब कोई व्यक्ति लगातार 2 या 3 दिन तक ऐसे भोजन को ग्रहण करता है और यात्रा के दौरान पूरे पूरे दिन बैठा रहेगा तो भी इस तरह के भोजन ग्रहण करने से कब्ज की शिकायत हो सकती है जिससे मलद्वार छिल सकता है और आप दुविधा में पड़ सकते हैं। चौथा कारण है फ्रेंड्स डाइजेस्टिव मेडिसिन साथ में लेकर न चलना। जब भी आप लंबे सफर में हो तो कुछ डाइजेस्टिव मेडिसिन जैसे डाबर हाजमोला है, पतंजलि का हींग पेड़ा है या हिंगोली वटी आती है, इस तरह की जो मेडिसिन है डाइजेस्टिव मेडिसिन वह आप अपने शहर से ही खरीद कर यात्रा शुरू करें और आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5 पर है फ्रेंड्स लुब्रिकेशन। लंबी यात्रा के दौरान आपको मलद्वार को लुब्रिकेट रखना चाहिए, चाहे आप उसके लिए कोकोनट ऑयल यूज कीजिए
या फिर आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक आसन होता है जिसको वज्रासन कहते हैं। जब आप घर पे हों तो उस समय पर आपको वज्रासन खाना खाने के तुरंत बाद करना चाहिए, 2 मिनट के लिए खाना खाएं और 2 मिनट के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं। लेकिन अगर आप लंबे सफ़र में हैं तो भी जब भी आपको मौका मिले तो आप वज्रासन में 2 मिनट के लिए बैठिए, चाहे स्टेशन पे गाड़ी रुके या कहीं भी डेस्टिनेशन पे पहुंचकर। वज्रासन में बैठने पर हमारे पैरों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं, पेट में जमा गैस पास आउट हो जाती है। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ ज़रूरी बातें कि लंबे सफ़र के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988788433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।